अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हैं टेक्निकल मोशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी कोई एंड्रॉयड फ़ोन से आप लोग उर्दू में मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो अक्सर प्रॉब्लम करता है। आप अपने तरफ से मैसेज सही भेजते हैं लेकिन सेंडर को वो सही तरह से रिसीव नहीं होता, क्वेश्चन मार्क मिलते हैं सिर्फ उसको। तो यहाँ पे दोस्तों घबराने की और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे उसको सेट करें। देखें, मैं अपने नंबर को यही उर्दू मैसेज सेंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि ये मुझे वापस कैसे आता है। ठीक तरह की उर्दू है ये। अभी मैं सेंड करता हूँ अपने नंबर को। अच्छा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वो मैसेज मुझे कैसे मिले। देखें, सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही है और कुछ नहीं है, और इनका पता भी नहीं चलता कि ये क्या है। वो ठीक तरह का उर्दू मैंने सेंड किया हुआ था, अभी चेंज हो गया इस निशान में। तो दोस्तों, मैं अभी उनका तरीका बताने जा रहा हूँ कि इनको इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो बहुत इजी है, चंद स्टेप हैं, फॉलो करें मेरे साथ। दोस्तों, यहाँ पे थ्री डॉट पर टैप करें और आ जाएं सेटिंग में। सेटिंग के बाद मोर सेटिंग पर टैप करें और यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज पे टैप करें। यहाँ पे इनपुट मोड पे टैप करें। देखिए, ये GSM अल्फाबेट हैं, तो इनको हमने करना है ऑटोमेटिक। देखो, मैंने ऑटोमेटिक पे कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और अभी देखते हैं उर्दू फिर से। मैं अपने नंबर को सेंड करता हूँ और देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। ये यहाँ पे ये मेरा नंबर और वही मैसेज मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ उर्दू और सेंड करता हूँ अपने नंबर पे। अब देखते हैं कि ये हमें कैसा मिलता है। अच्छा दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल ठीक तरह से आया है, वो मैसेज उर्दू है। पहले ठीक नहीं था, अभी वही सेम मैसेज मिला है हमें। तो ये तो था दोस्तों आसान सा तरीका, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करूं। मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है, ये अक्सर मुझे मैसेज मिलते हैं, दोस्त सेंड करते हैं और उनमें ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊँ ताकि अपने दोस्तों को बताऊँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल मोशन को।